नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। CAA, NRC और NPR के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से NSA हटाने का आदेश भी दिया गया। बता दें कि डॉक्टर कफील पर NSA लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। DM अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर NSA लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ DM की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश गैरकानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। डॉक्टर कफील खान की हिरासत हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से NSA के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2(3) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।